ओहो, तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, तो आप सही सोच रहे हैं, मैं लाइव नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे शुगर केन फार्म बनाया जाता है और कैसे बैम्बू फार्म बनाया जाता है, और इन दोनों में कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। तो चलिए जल्दी से हमारे वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप चैनल पर नए आ गए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये जो घंटी वाला बटन अभी बजा है वैसे ही आप सेम बजा दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो जल्दी से जल्दी बजा दो, तब तक हम अपने शिप्स को कलर कर लेते हैं। और ये माइनक्राफ्ट में कलर कहाँ मिलता है क्रिएटिव मोड में, वो मैं ज़रा ढूंढ लेता हूँ। तो कलर मिल चुका है, और कौन सा कलर करूँ, लाइट ब्लू। चलो लाइट ब्लू देखते हैं। हमारे शिप्स को हम सब लाइट ब्लू, ये ले लाइट ब्लू, तू काला भी ले लाइट ब्लू, ये सफ़ेद वाले तू भी ले ले लाइट ब्लू, दूर है भी बहुत, हाँ तू भी ले लाइट ब्लू। बस अब चलो जल्दी से बनाने जाते हैं, हम उड़ के जाएंगे, क्रिएटिव मोड का फ़ायदा उठाएंगे। और चलिए जितना भी सामान है सब ले लेते हैं। तो हमें चाहिए ये सब सामान लगेगा, हमें ये सब फेंक देते हैं हम। और हम पहले चेस्ट ले लेते हैं, 3 चेस्ट लगेंगे हमें, ऑब्जर्वर भी बहुत सारे लगेंगे, हॉपर 4 लगेंगे हमें, उसके बाद से पिस्टन भी हमें लगेंगे, और कौन सा भी ब्लॉक, मैं यहाँ कौन सा भी आप ब्लॉक ले सकते हैं सिर्फ सैंड को छोड़ के, और ग्लास बहुत सारा लगेगा, और बैम्बू फार्म बना रहे तो बैम्बू लगेगा ही, और शुगर केन भी लगेगा, और बकेट, वाटर बकेट ले लेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फार्म बनाना। तो कहाँ बनाएं कहाँ बनाएं, यहाँ एक से हमें 2 फिट करने हैं, तो और थोड़ा नीचे मेरे ख्याल से करना पड़ेगा, एक हमने। अब हम चेस्ट को लगा देंगे यहाँ, लेकिन ये हमारा चेस्ट लग क्यों नहीं रहा, मेरे ख्याल से और ब्लॉक तोड़ूंगा तब लगेगा, फिर से लगा के देखता हूँ, फिर से नहीं लगा। ओ यार, साइड में क्लिक करके लगाना पड़ता है यार, भूल गया था। अभी चलो हॉपर लगा लेंगे हम, पीछे साइड से लगा लेते हैं इसे हम, ये बैठ के एक लगा दिया, दूसरा लगा दिया। अब हमें गड्ढे खोदने हैं 8 एग्जैक्ट हॉपर के यहाँ से। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और तैरते तैरते हॉपर के पास जाएंगे, देखेंगे कि हमारा बैम्बू जाता है कि नहीं। हाँ, अब इस साइड भी तोड़ लेते हैं उतना ही जितना हमने तोड़ा था, 8, और ये 8 हो गया यहाँ। अब फिर से यहाँ से भी तैर के जाएंगे हम। तो बन गया है अब। यहाँ हम पहले शुगर केन लगा लेते हैं। तो ये लग गया, ये भी 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 लग गया। बीच में 2 छोड़ देंगे हम, क्योंकि वहाँ हॉपर रहेगा हमारा, और यहाँ हम बैम्बू लगा लेंगे। तो बैम्बू भी हम ने लगा लिया। अब यहाँ नीचे एक एक ब्लॉक लगा देना है, और हमारा बैम्बू बढ़ना स्टार्ट भी हो गया है। तब तक हम यहाँ जल्दी जल्दी ब्लॉक लगा लेते हैं, सब ब्लॉक्स यहाँ लगा देंगे। बस वहाँ जहाँ बीच में 2 जगह छोड़े थे, यहाँ दोनों नहीं लगाएंगे, और यहाँ से फिर से लगा देंगे। और रात भी हो रहा है तो जल्दी जल्दी काम करेंगे, क्योंकि यार रात में दिखने में प्रॉब्लम होगा। तो ये अब हम पिस्टन लगा लेंगे, ये तो हमारा पिस्टन लग गया है, और रात हो गई है, पिस्टन हमारा सही दिख रहा है। तो अब हम सोने की तैयारी कर लेते हैं, बेड ढूंढ लेंगे अपने लिए, पीछे गया बेड,
एक बेड ले लेते हैं। तो हम एकदम अंगड़ाई लेके उठ जाएंगे और शुरू करेंगे अपना फिर से। हमें ऊपर हर जगह ऑब्जर्वर लगाने हैं, तो लगा लेते हैं ऑब्जर्वर। थोड़ा ऊपर हमें जाना होगा और लगा लेते हैं। तो ऑब्जर्वर लगने के बाद हमें उसके नीचे एक फिर से लगाना पड़ेगा, कोई भी ब्लॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेड स्टोन डस्ट इसके नीचे लगाना है, क्योंकि सारे ऑब्जर्वर एक साथ जुड़ सकें उसके लिए। तो जल्दी से लगा देते हैं। अब हमें रेड स्टोन डस्ट चाहिए, तो रेड स्टोन डस्ट तो हमने लिया नहीं था, तो ले लेते हैं रेड स्टोन डस्ट। तो जल्दी से हर जगह रेडस्टोन डस्ट हम लगा लेंगे। रेडस्टोन डस्ट लगाने के बाद से हमारा फार्म रेडी हो चुका है। अब बस हमें अगल बगल हर जगह ग्लास लगाने हैं, तो जल्दी से ग्लास लगा लेते हैं। अरे यार, इसका मतलब हमारा जो हमने फार्म बनाया है वो वर्क कर रहा है, और हमें टेस्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सामने टेस्टिंग हो चुका है। एक बार शुगर केन का भी हम लोग देखेंगे, अगर जल्दी बढ़ जाएगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो हम लोग खुद से टेस्टिंग कर लेंगे। तो ये ग्लास लगा के हमारा रेडी हो चुका है। देखते हैं बैम्बू कितना आया था हमारे पास। एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी अटक बिटक नहीं रहा है। बैम्बू देख लेते हैं कितना आया है। 8 बैम्बू अभी से आना चालू हो गया है, और थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। तो टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए। बैम्बू वाला दूसरी बार भी ट्रिगर हो चुका है। अब मेरे ख्याल से ये जल्दी बढ़ने वाले नहीं है शुगर कैन, इसके लिए हम शुगर कैन सब में लगा देते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि शुगर कैन हो रहा है कि नहीं अच्छे से सब। तो अब देखेंगे फाइनल रिजल्ट हमारा। ये बैम्बू यार 3 बार ट्रिक हो चुका है। देख लेते हैं बैम्बू कितना है। इसमें 12 बैम्बू है और शुगर कैन एक भी नहीं है, और मतलब हमारा शुगर कैन फार्म भी काम कर रहा है। सब शुगर कैन आ चुके हैं, अब 8 शुगर कैन भी हो चुके हैं हमारे पास। तो ऐसे बनता है शुगर केन फार्म। अगर आप और आउटपुट चाहते हैं इससे, तो आपको एक ग्रास ब्लॉक लगा देना है ऊपर, और वैसे ही जैसे नीचे सेटअप किया है हमने, वैसे ही ऊपर आपको सेटअप कर लेना है। बस आपका शुगर केन फार्म और ज़्यादा वर्क करेगा। जैसे कि नीचे हमने 8 किया था, ऊपर और लगा देंगे तो 16 आएगा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, जितना चाहें उतना ऊपर लेके जा सकते हैं हम। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और भी जानकारी और भी ट्रिक्स एंड टिप्स जानना चाहते हैं माइनक्राफ्ट के बारे में, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली लाता रहूँगा वीडियो और नए नए ट्रिक्स लाता रहूँगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो 1K तक जल्दी से कंप्लीट हो पाए। तो इस वीडियो पे हम 20 लाइक्स का गोल रखते हैं। अगर 20 लाइक्स हो जाएगा तो अगला वाला हम ऑटोमेटिक फार्म के ऊपर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।